मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर से दस्तक दी है और पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बारिश और गरज चमक दर्ज की गई है। इस वक्त प्रदेश के नर्मदापुरम और सिवनी में सबसे अधिक बारिश हुई है। आइए जानते हैं प्रदेश के मौसम का ताजा हाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी और अति भारी बारिश दर्ज किया है। कुछ कुछ जगहों से थंडरस्टॉर्म भी दर्ज किया है। वेस्ट एमपी का देखा गया तो स्कैटर्ड रेनफॉल दर्ज किया, 26 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ नर्मदापुरम में, 240 मिलीमीटर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है। 8 स्टेशन से वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हो गया और 4 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हो गया। ईस्ट एमपी का भी डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड था कल और 22 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ शिवनी डिस्ट्रिक्ट में, 174.4 वेरी हेवी रेनफॉल है। 4 स्टेशन से वेरी हेवी रेनफॉल और 8 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया। मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ पिछले 3 से 4 दिनों से सक्रिय है, जिसके चलते प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश और गरज चमक दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश नर्मदापुरम और सिवनी में हुई, जबकि छतरपुर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो वेस्ट एमपी में सबसे अधिकतम तापमान धार में रिपोर्ट हो गया 38.3 डिग्री और ईस्ट एमपी में छतरपुर में 38.6 डिग्री दर्ज किया है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून ट्रफ का पोजीशन अभी सेंट्रल इंडिया से जा रहे हैं। ग्वालियर और चंबल संभाग में सोमवार से बारिश शुरू होने की संभावना है। भिंड और दतिया को छोड़कर बाकी सभी संभागों में बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार तक बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है। बुधवार को केवल सागर, विदिशा, नर्मदापुरम, रायसेन, शाहजहांपुर, झबुआ, मंदसौर, नीमच, पन्ना, बालाघाट और रतलाम में बारिश होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर में ऑलरेडी साउथ मध्य प्रदेश में काफी, मतलब जैसे विदर्भ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ऑलरेडी कन्वेक्शन शुरू हुआ है, वहाँ पे बारिश चल रही है। और नॉर्थ भी देखा गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्थ की तरफ भी बढ़ रही है। सो मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल रीजन में भी कल से बारिश एक्टिव होने का चांसेस है। सो एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और नॉर्थर्न एमपी में भिंड और दतिया, ये सब छोड़ के बाकी सारे रीजन में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है और अगले कुछ दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के अनुसार पांडुर्ना, पेंच, आगर मालवा, राजगढ़, देवास, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, रायसेन, भीमबेटका, सिवनी, मंदसौर, गांधी सागर बांध और बालाघाट में बिजली के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना है। और हेवी रेनफॉल मॉर्निंग भी मोस्टली साउथ ईस्ट एमपी का डिस्ट्रिक्ट जैसे बालाघाट, मंडला, शिवनी, दमो, ये रीजन में जो ऑरेंज कलर में दिखाया वहाँ पे वेरी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। बाकी ये साउथ वेस्ट सेक्टर में जैसे अलीराजपुर, धार, उज्जैन, रतलाम, ये सब रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। इसके अलावा डिंडोरी, रतलाम, धोलावाड़, उज्जैन, इंदौर, नीमच, विदिशा, उदयगिरि सांची, शाजापुर, बैतूल, नरसिंहपुर, सीहोर और उत्तरी धार में बिजली के साथ मध्यम गरज और बारिश हो सकती है। भोपाल, बैरागढ़, मंडला, कान्हा, अनूपपुर, अमरकंटक, सिंगरौली, अलीराजपुर, झाबुआ, हरदा, दक्षिण धार, पश्चिम गुना, सागर, जबलपुर, भेड़ाघाट, खरगोन और बुरहानपुर में रात के समय हल्की गरज और बारिश जारी रहेगी। वेस्ट की तरफ ज्यादा बारिश होने का चांसेस है, जैसे साउथ वेस्ट एमपी का अलीराजपुर, थार, झाबुआ, रतलाम, ये डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और साउथ ईस्ट एमपी का भी शिवनी, बालाघाट, मंडला और सिंगरौली रीजन में भी बारिश बढ़ने का चांसेस है। और हेवी रेनफॉल मॉर्निंग भी, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल मॉर्निंग मेनली ये झाबुआ, धार, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्टर्न साइड में। और सेंट्रल मध्य प्रदेश का देखा गया तो विदिशा, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम और ईस्ट एमपी में दमो, उमरिया, मंडला, शिवनी, बालाघाट, ये रीजन में वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। मध्य प्रदेश में रविवार को अधिकतम जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान छतरपुर का 39.0 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान बैतूल का 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। जाने अपने जिले का अधिकतम तापमान। तो मध्य प्रदेश वासियों, तैयार हो जाइए आने वाले दिनों में होने वाली झमाझम बारिश का आनंद लेने के लिए। बारिश के इस मौसम में सतर्क रहें और मौसम की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें। सुरक्षित रहें और मौसम का मजा लें। लोकल 18 के लिए भोपाल से ऋतिका तिवारी की रिपोर्ट।